हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मेथी का सीज़न है, बहुत अच्छे से फ्रेश मेथी मिल रहा है, तो मैं मेथी लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो रेसिपी बना रही हूँ आलू मेथी की, तो वो रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आलू मेथी की सब्जी बना रही हूँ। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आलू मेथी बनाना। हाँ तो फ्रेंड्स, आलू मेथी बनाने के लिए हम सबसे पहले तड़के से शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, ये थोड़ा सा हींग लिया है, ये देखिए दो साबुत लाल मिर्ची लिया है, और मसालों में लिया है मैंने ये थोड़ा सा नमक लिया है स्वाद अनुसार। आप अपने जितना क्वांटिटी का आप मेथी आलू ले रहे हैं उसके हिसाब से नमक लीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ, और ये आधा चम्मच धनिया पाउडर है, ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और ये मैंने चीनी लिया है। चीनी ऑप्शनल है फ्रेंड्स। क्या होता है ना, मेथी कभी कभी कड़वा भी आता है, अगर हम इसमें चीनी डालेंगे मेथी में तो वो कड़वाहट नहीं रहेगा। तो चीनी ऑप्शनल है, आप चीनी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ये लिया है दो प्याज जो छोटा छोटा काट दिया है, दो हरी मिर्ची लिया है पतला पतला काट दिया है, एक इंच अदरक लिया है जो पतला पतला काट दिया है, और ये छह कली लहसुन लिया है जो छोटा छोटा करके काट दिया है, और आलू लेंगे। आलू मेथी बना रहे हैं तो आलू को मैंने छील के बड़े बड़े पीस में ऐसे देखिए कट कर दिया है, और उसको पानी में डाल के रखा है। पहले से अगर आलू छील के रखेंगे तो आलू काला पड़ जाएगा, इसलिए मैंने आलू को पानी में डाल के रखा है। और ये देखिए एक बंच मेथी लिया है, मेथी आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको बनाना है। तो मेथी का देखिए मैंने पूरा डंठल हटा दिया है, खाली पत्ता पत्ता है, जिसको मैंने क्या 3-4 बार पानी में डाल के अच्छे से धो दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आलू मेथी बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, और 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। फ्लेम कम करके ही हम अभी क्या करेंगे, हमने जो जीरा लिया है जीरा डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, मैंने सरसों तेल लिया है, आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। तेल गरम है तो जीरा हमारा फ्राई हो गया है, जो हमने साबुत लाल मिर्च लिया था उसको डाल देते हैं। आप तोड़ के भी डाल सकते हैं या तो ऐसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चला लेते हैं, थोड़ा मिर्ची और जीरा फ्राई हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें जो हमने अदरक और लहसुन लिया था अदरक लहसुन को डाल देंगे। अदरक लहसुन को डाल के थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, और हमने जो हींग लिया था हींग को भी इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि वो जो अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो प्याज काट के रखा है प्याज को डाल देते हैं। और हमने जो हरी मिर्ची लिया था हरी मिर्ची को भी डाल देते हैं इसमें। हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज सबको हमने डाल दिया है, अच्छे से हम फ्राई कर देंगे इसको। हमने जो फ्लेम कम रखा था फ्लेम को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा जो अदरक लहसुन ये सब अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। हाँ
हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी प्याज ब्राउन हो गया है, तो हम इसमें जो हमने मसाले सब लिए था, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और चीनी, ये सबको इसमें डाल देते हैं। डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है मसालों को, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें जो हमने अदरक लहसुन सब डाला है तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मेथी डालेंगे, मेथी में तो और मेथी का तो अलग खुशबू रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हमने जो आलू लिया था, आलू को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। हमने आलू, कच्चा आलू लिया है, बॉयल आलू नहीं है, ये कच्चा आलू है, तो हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू अभी डाल दिया है, अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ मसालों के साथ आलू को, ऊपर से अच्छे से कोटिंग हो जाए। देखिए अच्छे से कोटिंग हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे। कच्चा आलू है और हमने बड़े बड़े पीस में काटा है, तो पकने के लिए तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। पानी डाल के इसका लीड लगा के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक आलू को पकाएंगे। बड़ा बड़ा पीस जो है ना, थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, लीड लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में चला के चेक करते रहेंगे आलू के सॉफ्ट होने तक। तो मीडियम फ्लेम पे रख के हम पकाते हैं आलू को। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने लीड हटा दिया है। आलू को पकने में 5 से 7 मिनट लगा है। अगर बड़ा पीस काटेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा, और छोटा पीस काटेंगे आलू कर रखेंगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स आलू अभी क्या है ना, 80% पक गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें मेथी डाल देंगे। मेथी का हमने क्या किया है, जो खाली पत्ता पत्ता रखा है पूरा डंठल हटा दिया है। तो मेथी को क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से ऊपर नीचे करके इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मेथी आप जो देख रहे हैं अभी इतना सारा, लेकिन जब पकेगा तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आलू मेथी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप जब देखे थे तो मेथी पूरा भरा हुआ था, मिक्स करने के बाद देखिए कितना कम हो गया है, और जब पकेगा भी मेथी और भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, इसका लीड लगा देते हैं। लीड लगा के हम 5 मिनट पकाएंगे, और बीच बीच पे हम चेक करते रहेंगे, मेथी से पानी भी बहुत निकलता है। तो पकने दीजिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आलू मेथी हमारा रेडी हो गया है। मैंने जस्ट लीड अभी हटा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छा बन गया है, सब कुछ अच्छे से पक गया है आलू मेथी। देखिए मेथी हमने कितना सारा डाला था, लेकिन बनने के बाद कितना कम हो गया है। इसीलिए अगर आप कभी भी मेथी लेते हैं तो आपको ज़्यादा लेना है। तो हम क्या करते हैं, अभी गैस ऑफ कर देते हैं, फिर हम प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लेटिंग करने के लिए मैंने देखिए ये ट्रे और एक प्लेट रेडी कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, आलू मेथी को प्लेटिंग करेंगे। बहुत अच्छा आलू मेथी बना है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी प्लेटिंग कर दिया है मैंने। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी इतना ही डिलीशियस है। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।